Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. Hello दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में. दोस्तों इस वीडियो सेशन में हम सीखने वाले हैं POP3 versus IMAP के बारे में, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है. ये दोनों ही हमारे इनकमिंग प्रोटोकॉल्स हैं. इनकमिंग प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है जिससे हमें मेल रिसीव होती है उसे हम बोलते हैं इनकमिंग प्रोटोकॉल्स. IMAP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल. IMAP का आजकल जो वर्जन है वो 4 यूज़ होता है, लेकिन हम ये 4 कहीं पर भी मेंशन नहीं करते. POP की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और इसका वर्जन है 3. IMAP को हम उस कंडीशन में यूज़ करते हैं जहां पर यूज़र अपनी मेल को मल्टीपल जगह पे एक्सेस करना चाहता है. फॉर एग्जांपल मोबाइल में भी एक्सेस करना चाहता है, लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर, आईपैड पर या आईफोन पर, सभी जगह पर मेल्स आपकी सेम रहती है. ऐसी कंडीशन में हम यूज़ करते हैं IMAP का. जबकि POP3 का हम यूज़ करते हैं अगर हमें सिर्फ एक सिंगल डिवाइस से अपनी मेल्स को एक्सेस करना हो. IMAP के अंदर अगर हम एक डिवाइस के अंदर कोई भी चेंज करते हैं तो वो चेंज आपको उससे कनेक्टेड सभी मेल्स के अंदर नज़र आ जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर आपने मोबाइल के अंदर कोई भी एक फोल्डर को क्रिएट किया तो जो फोल्डर आपने क्रिएट किया होगा वो सेम फोल्डर आपके उन सभी डिवाइसेस के अंदर क्रिएट हो जाएगा जहां पर भी आपने उस मेल आईडी को लॉगिन किया होगा. लेकिन POP के अंदर जहां पर आप चेंज करेंगे आपको चेंज सिर्फ वहीं पर नज़र आएगा, किसी और अदर डिवाइस में नज़र नहीं आता. बाय डिफ़ॉल्ट IMAP का पोर्ट नंबर होता है 143. पोर्ट नंबर एक लॉजिकल एड्रेस होता है सभी सर्विसेज या प्रोटोकॉल्स का जिनको भी हम नेटवर्क में यूज़ करते हैं. या अगर हम किसी भी इंटरनेट सर्विस का यूज़ करना चाहते हैं तो सिस्टम उसके पोर्ट नंबर से उसे आइडेंटिफाई करता है. IMAP का सिक्योर सॉकेट लेयर यानी कि SSL पोर्ट नंबर होता है 993. POP3 का बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर है 110 और इसका सिक्योर सॉकेट लेयर के साथ पोर्ट नंबर है 995. IMAP के अंदर आप अपने मेल अकाउंट के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन POP3 के अंदर आप कोई भी मॉडिफिकेशन को अपने ईमेल अकाउंट में नहीं कर सकते. चलिए इसको एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं. यहाँ पे अगर कोई भी मेल रिसीव होती है हमारे ईमेल सर्वर पर तो अगर आपने अपने सिस्टम के अंदर POP3 का यूज़ करके अपनी मेल को कॉन्फ़िगर किया होगा तो वो मेल आपके सर्वर से हो जाएगी कट और आपके सिस्टम में वो हो जाएगी डाउनलोड. लेकिन IMAP के केस में जैसे ही एक मेल रिसीव होगी आपके ईमेल सर्वर पर, जहां पर भी आपने उस ईमेल सर्वर को कॉन्फ़िगर किया होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपने उसे डेस्कटॉप में कॉन्फ़िगर किया है, लैपटॉप में किया है या उसे आपने अपने मोबाइल में कॉन्फ़िगर किया है, तो उस मेल की कॉपी आपके इन तीनों डिवाइसेस के अंदर हो जाएगी डाउनलोड. यानी कि IMAP के अंदर कट पेस्ट नहीं होता, सिर्फ होता है कॉपी पेस्ट. तो IMAP में क्या हुआ आपका कॉपी पेस्ट और आपका POP के अंदर हो गया कट पेस्ट. मेल सेंड करने का प्रोसेस देखते हैं. अगर मान लीजिए कि मैंने अपने मोबाइल का यूज़ करके एक मेल को सेंड किया तो हमारा प्रोटोकॉल यूज़ होता है SMTP. SMTP मींस सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल.
ये एक सिंगल प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा आप अपनी मेल को सेंड कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने मेल को सेंड किया, वो आपके ईमेल सर्वर पर होगी रिसीव। उस ईमेल सर्वर से फिर से वो जाएगी आपके एसएमटीपी से आपके न्यू ईमेल सर्वर पर। अब ये ईमेल सर्वर आपका याहू का भी हो सकता है, हॉटमेल का हो सकता है, या किसी भी वेबमेल का हो सकता है जिसके अंदर आप मेलिंग कर सकते हैं, और उस ईमेल से आपके सिस्टम में हो जाएगी डाउनलोड। तो डाउनलोड होने के लिए क्या यूज़ हुआ? आईमैप, यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये हमारा क्या हुआ? रिसीव करने के लिए, यानी कि जब भी आप मेल सेंड करेंगे तो यूज होगा एसएमटीपी, और जब आप रिसीव करेंगे तो यूज होगा आईमैप या पॉप। अब हम यहां पर समझते हैं कि इनकमिंग प्रोटोकॉल्स में पॉप और आईमैप दोनों अवेलेबल हैं। हमें किस कंडीशन में पॉप का यूज करना होता है और किस कंडीशन में हमें आईमैप का यूज करना होता है, मैं यहाँ पर एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको। मान लेते हैं कि मेरे पास दो सिस्टम अवेलेबल हैं। इस सिस्टम पर लॉगिन किया है U1 यूज़र ने और यहाँ पर लॉगिन किया है U2 यूज़र ने। मैंने इन दोनों सिस्टम्स को कनेक्ट किया हुआ है लोकल लैन के अंदर, और लैन के अंदर ही अवेलेबल है मेरा ईमेल सर्वर। ईमेल सर्वर को भी मैंने स्विच कर कनेक्ट कर दिया। तो जब भी हम ईमेल सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसका एक होता है डाटाबेस, जिसकी कोई ना कोई लिमिट होगी मेल्स को रिसीव करने की। अभी मैं ऐसा ज्यूम करता हूँ कि इस सर्वर की जो लिमिट है वो है 2 टेराबाइट की। अगर यूज़र वन कोई भी मेल सेंड करना चाहता है यूज़र टू को, तो आपकी मेल पहले U1 से जाएगी इस मेल सर्वर पर। इस मेल सर्वर पर जो डाटाबेस अवेलेबल है उस डाटाबेस के अंदर सेव हो जाएगी, यानी कि इस यूज़र का जो भी डाटाबेस इस सिस्टम के ऊपर अवेलेबल होगा उसके अंदर आपकी मेल रिसीव होगी। तो यहाँ पर यूज़ हो गया फॉर एग्जांपल 2 GB। जब यूज़र इस मेल को डाउनलोड करेगा अपने सिस्टम के अंदर, अगर इस यूज़र ने अपने मेल अकाउंट को यानी कि आउटलुक को कॉन्फ़िगर किया होगा पॉप के साथ, तो जैसे ही ये यूज़र यहाँ से मेल को डाउनलोड करेगा, ये जो 2 GB सर्वर के ऊपर यूटिलाइज हो रहा था ये हो जाएगा फ्री। यानी कि जो आपका ईमेल सर्वर है वो किसका काम करेगा? इंटरमीडिएट का। यानी कि इसका काम सिर्फ इतना है, पहले मेल को अपने पास रिसीव करना, फिर यूज़र के पास उसे भेज देना। इससे फ़ायदा क्या होगा? जो आपका 2 टेराबाइट का डाटाबेस है ये कभी भी फिल नहीं होगा। जब भी यूज़र मेल को रिसीव करेगा, ये स्पेस जो यूटिलाइज हुआ होगा आपका ईमेल सर्वर के ऊपर वो फ्री हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, जिस भी सिस्टम को आपने पॉप के साथ कॉन्फ़िगर किया होगा, इसका आपको टाइम टू टाइम बैकअप लेना होगा। क्योंकि अगर बाय चांस ये सिस्टम आपका फेल हो जाता है या इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाता है, आप एक नया सिस्टम लेंगे, इस सिस्टम को मान लेते हैं कि आपने फिर से कॉन्फ़िगर कर लिया उसी मेल अकाउंट का यूज़ करके विद पॉप प्रोटोकॉल, लेकिन आपके ईमेल सर्वर के ऊपर तो कोई भी मेल अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि वो मेल तो सभी आपकी इस सिस्टम में डाउनलोड हो चुकी थी, लेकिन ये सिस्टम अब आपका अवेलेबल नहीं है, तो आपको आपकी कोई भी प्रीवियस मेल अवेलेबल नहीं होगी। इसलिए हमें पॉप को उस कंडीशन में यूज़ करना होगा जहाँ पर हम प्राइवेट ईमेल सर्वर का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अपने ऑन प्रीमाइसिस के अंदर। यानी कि अब आपको सभी मशीनें कॉन्फ़िगर कैसे करनी होगी? विद द हेल्प ऑफ SMTP + POP3।
एसएमटीपी मेल को सेंड करने के लिए और पॉप उस मेल को रिसीव करने के लिए। तो पॉप ने क्या किया आपकी मेल को, कट पेस्ट, यानी कि आपके सर्वर के ऊपर कोई भी मेल अवेलेबल नहीं होगी डाउनलोड होने के बाद। उस कंडीशन में हम यूज करते हैं अपना पॉप 3+SMTP का। एक और एग्जांपल देखते हैं आईमैप के साथ। मान लेते हैं कि मेरे पास फिर से दो सिस्टम अवेलेबल हैं, इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया हुआ है आईएसपी के साथ, आईएसपी यानी कि इंटरनेट। यहां पर अवेलेबल है मेरा ईमेल सर्वर। अब मान लेते हैं कि U1 यूजर ने मेल सेंड की U2 यूजर के पास, तो U1 जिस प्रोटोकॉल का यूज करेगा वो होगा SMTP, यानी कि उसने मेल को सेंड किया। जैसे ही वो मेल आपके ईमेल सर्वर पर रिसीव होगी, यानी कि उसके डाटाबेस में क्या होगी, वो सेव हो जाएगी और स्पेस उसका हो जाएगा यूटिलाइज। अगर U2 यूजर ने अपने आउटलुक को कॉन्फ़िगर किया होगा आईमैप के साथ, तो यहां से जो मेल अवेलेबल है इसकी एक कॉपी डाउनलोड हो जाएगी U2 यूजर के पास, और यहां पर स्पेस जो यूज था वो यूज ही रहेगा। इस केस में अगर मान लेते हैं U2 यूजर का जो PC था ये फेल हो गया, जैसे ही वो नया सिस्टम कॉन्फ़िगर करेगा फिर से आईमैप के साथ, इंटरनेट साथ कनेक्ट किया, तो जितनी भी मेल्स आपके ईमेल सर्वर के ऊपर अवेलेबल होंगी वो सब फिर से डाउनलोड हो जाएंगी आपके PC के अंदर। यानी कि इस कंडीशन में आपको बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सभी मेल्स अवेलेबल हैं आपके ईमेल सर्वर पर। इस सिनेरियो को हम यूज़ करते हैं पब्लिक डोमेन्स में। पब्लिक डोमेन यानी कि अगर मेरा पास जीमेल से कॉन्फ़िगर किया है, याहू से कॉन्फ़िगर किया है, या मैंने इसे कॉन्फ़िगर किया है हॉटमेल के साथ, तो इन सभी कंडीशन में हम यूज़ करते हैं आईमैप का। तो इस कंडीशन में हम प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ करेंगे, SMTP+IMAP। अब आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि हमें किस कंडीशन में पॉप का यूज़ करना है और हमें किस कंडीशन में आईमैप का यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे क्लियरली लिख देता हूँ, इन प्राइवेट डोमेन वी यूज POP3+SMTP, इन पब्लिक डोमेन्स वी यूज IMAP+SMTP। यानी कि यहां पर आपका जो सिक्योर प्रोटोकॉल होगा वो क्या होगा, 995+587। 587 आपका SMTP के लिए है विद TLS और 995 है विद आपका SSL, और पब्लिक के लिए IMAP हो जाएगा आपका 993 विद SSL और SMTP का हो जाएगा आपका 587 विद TLS। हम अपने जीमेल सर्वर को अपने सिस्टम में जब डाउनलोड करते हैं तो हम उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं दोनों के साथ, पॉप के साथ भी और आईमैप के साथ भी। पॉप सिर्फ डाउनलोड करता है हमारे इनबॉक्स को, क्योंकि ये सिंक्रोनाइज नहीं करता हमारे कंप्लीट मेल सर्वर को, लेकिन आईमैप हमारे कंप्लीट मेल बॉक्स को करता है सिंक्रोनाइज। यानी कि अगर मैं अपने सिस्टम के अंदर पॉप को कॉन्फ़िगर करूं तो वो सिर्फ उन्हीं मेल्स को डाउनलोड करेगा जो आपके इनबॉक्स के अंदर अवेलेबल होंगी। जो भी मेल्स आपके ड्राफ्ट के अंदर अवेलेबल हैं, सेंट आइटम में हैं या किसी और फोल्डर के अंदर हैं, तो इसको ये डाउनलोड नहीं करता। जबकि आईमैप आपके सभी मेल बॉक्स के अंदर जितने भी आपके फोल्डर्स अवेलेबल हैं, चाहे वो आपका
इनबॉक्स हो, ड्राफ्ट हो या आपका सेंट आइटम हो, सबको वो कर लेता है डाउनलोड। चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं सिस्टम के ऊपर। मैंने यहाँ पर अपने मेल आईडी को लॉगिन किया है। मेरी लॉगिन आईडी है su.deepak2025@gmail.com और यहाँ पर मेरे पास कुछ इनबॉक्स में भी मेल्स अवेलेबल हैं, सेंट आइटम में भी मेल्स अवेलेबल हैं और ड्राफ्ट के अंदर भी मेल अवेलेबल है। अब मैं अपने आउटलुक को कॉन्फ़िगर करता हूँ आई मैप के साथ भी और पॉप के साथ भी। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे आउटलुक को। नेक्स्ट पे क्लिक करा, इसे यस रहने देते हैं। नेक्स्ट इसे हम करते हैं मैनुअल सेटअप। नेक्स्ट पे क्लिक करा, पॉप एंड आई मैप। नेक्स्ट पहले हम इसे कॉन्फ़िगर करेंगे आई मैप के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाम, ईमेल एड्रेस है su.deepak। यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ आई मैप। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा imap.gmail.com। यहाँ पर हम लिखेंगे smtp.gmail.com। यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ अपना पासवर्ड। मोर सेटिंग्स, आउटगोइंग में हमें ये टिक लगाना होगा। एडवांस के अंदर आपको दिखा रहा है आई मैप का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर, तो मैं इसे यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ SL। तो ये चेंज हो गया 993 में। SMTP को हम यूज़ करेंगे विद TLS के साथ। तो यहाँ पे पोर्ट नंबर आप एंटर करेंगे 587। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करा तो डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ये दोनों आपके होने चाहिए कंप्लीट। दोनों कंप्लीट हो गए, क्लोज किया, फिनिश। तो ये आउटलुक हो गया आपका ओपन। इसको मैं कर देता हूँ आस्क मी लेटर, एक्सेप्ट पे क्लिक करा तो ये मेरा इनबॉक्स डाउनलोड हो गया। जीमेल के अंदर मेरे ड्राफ्ट भी डाउनलोड हो गया, सेंट आइटम भी यहाँ पर होगी मेरी डाउनलोड। ठीक है, यानी कि मैंने जब इसे कॉन्फ़िगर किया है आई मैप के साथ तो इसने मेरे सभी फोल्डर्स जो मेरे जीमेल पर अवेलेबल थे उन सबको यहाँ पर कर लिया है सिंक। अब मैं इसी मेल आईडी को कॉन्फ़िगर करूँगा पॉप के साथ। तो न्यू मेल आईडी ऐड करने के लिए हम जाएंगे फाइल टैब में, ऐड अकाउंट, फिर से करेंगे यहाँ पे मैनुअल सेटअप। नेक्स्ट पॉप एंड आई मैप। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना नाम, तो मैं अब लिख देता हूँ सिर्फ दीपक। मेल आईडी थी su.deepak2025@gmail.com। अब मैं यहाँ पे रहने दूंगा पॉप और यहाँ पे लिखेंगे pop.gmail.com smtp.gmail.com। यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा अपना पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट सेटिंग मिल रही हैं। हम जाएंगे मोर सेटिंग्स में। आउटगोइंग में आपको सेम टिक लगाना है। एडवांस के अंदर अब आपको दिखा रहा है पॉप का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 110, तो उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा चेक मार्क। तो ये पोर्ट नंबर हो गया 995। इसको हम यहाँ पर कर देंगे TLS और यहाँ पे हम फिल करेंगे पोर्ट नंबर 587। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा है लीव ए कॉपी ऑफ मैसेज ऑन द सर्वर। अभी मैं फिलहाल इसको कर देता हूँ अनटिक। ओके, नेक्स्ट। फिर से आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया।
ये दोनों आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। क्लोज पे क्लिक करा, फिनिश, तो आपका मेल अकाउंट आ गया। आपकी इनबॉक्स के अंदर जो भी मेल्स थी वो यहाँ पर हो जाएंगी डाउनलोड। तो ये आपकी सारी सारी मेल्स होगी यहाँ पर डाउनलोड। लेकिन देखिए, कोई भी सेंट आइटम के अंदर कोई भी मेल रिसीव नहीं हुआ और ना ही आपका यहाँ पर आया है ड्राफ्ट, जो कि आपको यहाँ पर ड्राफ्ट मिला, ट्रैश मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी और फोल्डर रिसीव नहीं हुआ जो आपकी जीमेल की आईडी पर अवेलेबल है। यानी कि अगर आप आईमैप से कॉन्फ़िगर करते हैं तो आप सभी फोल्डर्स को सिंक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पॉप से कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपको सिर्फ इनबॉक्स ही मिलेगा। अब जो हमारा पॉप प्रोटोकॉल है ये करता है कट पेस्ट। अगर मैं अब आपको अपनी जीमेल की आईडी फिर से चेक करवाऊं, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं यहां पे, तो आपकी कोई भी मेल्स यहां से कट पेस्ट नहीं होंगी। हमेशा ही जब हम पब्लिक डोमेन का यूज़ करके अपने आउटलुक को कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कट पेस्ट नहीं होता, हमेशा ही होता है कॉपी पेस्ट। देखिए, मेरी सभी की सभी मेल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, ये कट नहीं हुई यहाँ पर, क्योंकि मैंने इस मेल आईडी को बाद में कॉन्फ़िगर किया और ये मैंने कॉन्फ़िगर किया है पॉप से। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप पब्लिक डोमेन का यूज़ करते हैं, आप चाहे पॉप का यूज़ करें चाहे आई मैप का यूज़ करें, आपकी मेल्स आपके सर्वर पर भी अवेलेबल रहेंगी। लेकिन अगर आप अपने प्रिमाइसिस के अंदर ईमेल सर्वर को कॉन्फ़िगर करोगे, वहाँ पर अगर आपने पॉप का यूज़ किया तो ही आपकी मेल्स होंगी सर्वर से कट और आपके सिस्टम में हो जाएंगी डाउनलोड। एक और मेजर डिफरेंस है पॉप और आईमैप के अंदर, पॉप एक बार आपकी मेल्स को आपके सिस्टम में डाउनलोड होने के बाद सर्वर से अपने कनेक्शन को डिसकनेक्ट कर लेता है, लेकिन जैसे ही मेल को रिसीव करता है उसे आपके सिस्टम में डाउनलोड करने के बाद फिर से उसे कर देता है डिसकनेक्ट। यानी कि वो कनेक्ट तभी करेगा जब आपके सिस्टम के ऊपर यानी कि सर्वर के ऊपर कोई नई ईमेल रिसीव होगी। लेकिन आईमैप हमेशा ही आपका आपके ईमेल सर्वर के साथ कनेक्ट रहता है। अगर आपने अपने मल्टीपल गैजेट से कोई भी मेल को सेंड किया होगा तो वो आपके सिस्टम के अंदर हो जाएगी डाउनलोड। तो ये था मेन डिफरेंस पॉप और आईमैप का मेल्स को रिसीव करने के लिए। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।